हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है रेडमी K30। तो मैं इसमें बात करने वाला हूं फ्रेंड कि डेट एंड टाइम को कैसे चेंज करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। और फ्रेंड, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में आप बड़े आसानी से डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को आपको ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो है सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ये सभी फ़ोन में सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, डेट एंड टाइम। तो आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब किसी किसी में नहीं होता है सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन, तो उसके लिए क्या करें, आपको ऊपर की ओर सिलेक्ट करना है। ऊपर की ओर सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। देख लेते हैं एडिशनल सेटिंग्स को, आपको देख लेना है कहाँ है ये एडिशनल सेटिंग्स है। एडिशनल सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है फ्रेंड आपको ये देख सकते हैं, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपका बाय चांस जो है ये देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये जो है अगर ये ऑन होगा तो इसे ऑफ हो, ये जैसे कि ये ऑन होगा तो इसे ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे डेट, डेट पे आपको ओपन कर लेना है डेट को, जो भी तारीख है 31, 32 जो भी है, 1, 2 जो भी होगा आपको वो डाल देना है ऊपर नीचे सिलेक्ट करके। और यहाँ पे जो है महीना, कौन सा महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी होगा ऊपर नीचे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और यहाँ पे सन डाल देना है, 2019, 20, 8 जो भी होगा आप वो डाल देना है, और इसके बाद ओके कर देना है। अब डेट पे आ जाते हैं, डेट को ओपन कर लेना है। डेट को ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 11, 12 जो भी हो रहा होगा आपको वो डाल देना है, और यहाँ पे मिनट डाल देना है ऊपर नीचे सिलेक्ट करके, ठीक है। तो आप जो है फिर उसके बाद AM PM आपको कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है, तो आपका डेट एंड टाइम सेट हो जाएगा। तो आप इसी तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।